विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। गुजरात कांग्रेस के 10 विधायकों पर भाजपा की नजर है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल खुलेआम पार्टी से नाराजगी जता चुके हैं। उनके आप में जाने की भी अटकलें चल रही है। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक इंद्रनील राजगुरु एवं वशराम सोगठिया गुरुवार को आप में शामिल हुए। वहीं पूर्व विधायक प्रवीण मारू ने भाजपा का दामन थाम लिया। पूर्व विधायक कामनी राठौर ने भी खुलकर कांग्रेस से नाराजगी जताई है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी नेताओं में निर्णय शक्ति के अभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक पार्टी के एक जैसे हाल हैं। पटेल ने कहा कि कांग्रेस उनकी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाई। पाटीदार नेता और खोडलधाम ट्रस्ट के प्रमुख नरेश पटेल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सूरत और गांधीनगर महानगर पालिका चुनाव के नतीजे देख कर साफ हो जाता है कि कांग्रेस बुरी तरह से हार सकती है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन को प्रभारी रघु शर्मा एवं प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जितना मजबूत करने की कोशिश करते हैं, उतना ही संगठन में बिखराव होता नजर आता है। अहम ओहदे पर बैठे कांग्रेस के कई नेता केंद्रीय और प्रदेश आलाकमान से नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी नेताओं में निर्णय शक्ति के अभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक पार्टी के एक जैसे हाल हैं। पटेल ने कहा है कि कांग्रेस उनकी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाई। पाटीदार नेता एवं खोडलधाम ट्रस्ट के प्रमुख नरेश पटेल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस उनको लेकर अपनी स्थिति साफ करे कि उनको उचित स्थान देकर उनसे क्या काम लेना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बाघेला, नरेश पटेल एवं हार्दिक पटेल की तिकड़ी आप में शामिल होती है तो गुजरात में वह स्वतः तीसरी ताकत के रूप में उभर सकती है। सूरत एवं गांधीनगर महानगर पालिका चुनाव के परिणाम बताते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस बुरी तरह हार सकती है तथा आप प्रमुख विपक्षी दल बनने की स्थिति में होती है। भाजपा विधानसभा की 182 में से 150 सीट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गत चुनाव में कम अंतर से जीती एवं हारी गई सीटों के स्थानीय नेताओं को अपने साथ ला रही है। पूर्व विधायक प्रवीण मारू भाजपा में शामिल हो गए हैं। वही कामनी राठौर कभी भी भाजपा में जा सकती है। गुजरात कांग्रेस के 8 से 10 ऐसे विधायक हैं जिन पर भाजपा की नजर है। पार्टी एवं विधानसभा में अहम ओहदे संभालने वाले नेताओं तक में असंतोष है जो कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।